Hey guys, how are you? Hope you are good. I'm Simran Singh and I'll present there my drawing, and this drawing name is Shiv Dance. And please you all like my video and subscribe my channel and press the bell icon for my all video notifications. So let's start it. So hum yahan pe kuch steps dekhenge. और हम यहाँ पे कड़ा बना लेंगे, फिर हम यहाँ से उनका सेकेंड लेग निकालेंगे। तो हम उनका सेकेंड लेग पूरा तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनका दोनों लेग पूरा अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। तो हम इस पार्ट को भी फिल करने के लिए हम यहाँ पे उनका धोती हुए से जो पट्टा टाइप का निकलता है हम उसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। फिर आप चाहे तो यहाँ पे इस तरीके से लाइन लाइन भी निकाल सकते हैं। आप कोई भी यहाँ पे डिजाइन निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी जरूरत नहीं है कि यही डिजाइन आप बनाए। तो अभी हम इनके हैंड का फर्स्ट स्टेप हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम एक और लाइन यहाँ से हम निकाल लेंगे ताकि त्रिशूल थोड़ा मोटा बने और उसमें उनका हाथ आ सके। पहले हम इस तरीके से स्टेप इसका निकाल लेंगे और फिर यहाँ से इनका अंगूठा बना देंगे। फिर हम यहाँ पे इनका रुद्राक्ष का माला बनाएंगे हाथ में पहनने वाला, और यहाँ पर हाथ में भी बनाएंगे।
फिर यहाँ पे हम उनके हैंड का शोल्डर पार्ट यहाँ पे हम उनका बनाएंगे और देन कुछ ऐसे स्टेप फॉलो करते करते हम इनका पूरा हैंड बना लेंगे। फिर यहाँ पे हम रुद्राक्ष बनाएंगे उनके हाथ में पहनने वाला। और अब यहाँ पे हम उनका डमरू बना दिए। अब हम इसको देन लास्ट में हम इनका स्वास्तिक जैसे जिस स्टेप से बनाया है हम उसको इरेज कर देंगे और अब हम उनके गले में का स्नेक बनाएंगे और फिर रुद्राक्ष। हम उनके गले में का स्नेक बना देंगे और लेफ्ट और राइट दोनों साइड में इस स्नेक का आई रहेगा। आई बनाने का एक बहुत इजी स्टेप ये भी है। तो इनका मुंह जो है वो थोड़ा छोटे साइड में ही हम बनाएंगे और अब हम उनका हेयर बनाएंगे। सो हम देखिए बिकॉज यहाँ पे इनका बाल खुला है तो ऐसे ही रहेगा। और अब हम यहाँ पे इनके यहाँ पे सिर पे यहाँ पे चंद्रमा बना देंगे। तो देखिए थोड़ा चंद्रमा बनाने की वजह से अब हम यहाँ पे चाहें तो पानी यानी कि गंगा की धार भी बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से गंगा की धार बना सकते हैं और अब हम यहाँ पे स्वास्तिक को इरेज करेंगे। सो देखिए
मेन मेन जगह पे ताकि अच्छा लगे लगे ना कि हम स्वास्तिक के जरिए बनाए, बस एजी स्टेप के लिए है। तो अब हम वहाँ पे उसको इरेज करेंगे। तो यहाँ पे इनका नी जो है वो थोड़ा सा एकदम मुड़ गया ज़्यादा, तो उसको थोड़ा सा हम सही करेंगे। इस तरीके का, और यहाँ पे भी मुड़ गया है थोड़ा सा, क्योंकि स्वास्तिक बना था तो मुड़ना तो है ही। और अब हम यहाँ पे इनका जो है हल्का सा इरेज करके कुछ और भी बनाएंगे। हमें बहुत केयरफुली से पूरे जगह को इरेज करना है, और जहाँ पे गलती से अगर ज़्यादा मतलब कुछ बनाया हुआ भी स्वास्तिक के जरिए भी अगर कुछ वहाँ पे बिगड़ गया है यानी कि इरेज हो गया, तो हम वहाँ पे उसको सही कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा पूरा शिव डांस बन के तैयार है। तो अब हम नीचे लिख भी सकते हैं यहाँ पे शिव डांस। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे शिव डांस। अब हम इसको बीच बीच में से हम इसको सेट भी कर सकते हैं। सो यू आप देख सकते हैं कि वीडियो बहुत ही मतलब कि बहुत अच्छे से ये पूरा पिक्चर बन गया है, और आप चाहें तो इसको सेट या कलर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, एंड दिस इज़ माय न्यू चैनल एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।